नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ शहर के लिए आज बड़ी दुखद खबर आई है। हापुड़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। गोल मार्केट में एक कोरोना पॉजिटिव क्या मिला, तब से हापुड़ शहर के बीचों बीच पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है। आज हापुड़ शहर में 3 जगह पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। एक पॉजिटिव केस गोल मार्केट में मिला है और एक पॉजिटिव केस रेलवे रोड अतरपुरे में पुष्टि हुई है और काफी बड़ी संख्या में 7 पॉजिटिव केस जवाहरगंज में मिले हैं। आज हापुड़ शहर से बहुत बड़ी खबर आई है। जैसा कि 2 कोरोना पॉजिटिव गोल मार्केट में पहले से ही थे और अब एक गोल मार्केट में एक और पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है और एक संख्या अतरपुरे से बढ़ी है, जो कि कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। और बड़ी खबर, जो कि 7 कोरोना पॉजिटिव जवाहरगंज से मिल चुके हैं। जैसा कि अभी 2 कोरोना पॉजिटिव जवाहरगंज से मिले थे, उसी के फैमिली से ही 7 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है और ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर है, भयभीत करने वाली खबर है। हापुड़ सिटी में इस वक्त जो सील एरियाज हुए हैं, जो बफर जोन हुए हैं, वो अब और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। शहर के बीच में 9 कोरोना पॉजिटिव मिलना कोई अच्छी खबर नहीं है। अब जनपद हापुड़ के लोगों को खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पुलिस, डॉक्टर, मीडिया सब पूरे देश को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लॉकडाउन का पालन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। जवाहरगंज का मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर 7 कोरोना केसों की पुष्टि हुई है और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जो 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो किसी न किसी के टच में जरूर आए होंगे, किसी न किसी से संपर्क जरूर हुआ होगा। और जो संपर्क में आता है कोरोना की, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि वो संदिग्ध अपने आप हो जाता है। तो जैसे कि 7 कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है यहाँ पर और एक पॉजिटिव की पुष्टि हुई है अतरपुरे में, एक हुई है गोल मार्केट में, तो पूरा इलाका, जैसे कि आप सभी को पता है, ये सीज है और बफर जोन घोषित है। तो अब कहीं ना कहीं सील एरिया और बफर जोन और भी ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। अब हापुड़ के बीचों बीच शहर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जो कि भारी संख्या में एंट्री है। अब आपको, हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा, इसमें सहयोग करना होगा। सहयोग कैसे करना होगा ये सब आपको पता है। आपको अपने अपने घरों में रहना होगा, घर से बाहर आवश्यक कामों के लिए ही निकलना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अब जरूरी हो गया है, क्योंकि हापुड़ के बीचों बीच अब कोरोना पैर पर पसार चुका है। अब स्थिति आपके और हमारे हाथ, अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी अब अपने हाथों में है, क्योंकि कोरोना किसी का नाम पता पूछकर नहीं आएगा। उसको फैलने का कारण भीड़ है, जहां भीड़ होगी वो खुद पहुंच जाएगा। आप सभी से अपील है कि अब हापुड़ शहर की स्थिति पहले जैसी नहीं है, तो आप सभी अपने अपने घरों में रहें और कोरोना संक्रमण फैलने से बचें। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।